ओके हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। और आज चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट साइंस है अपना, ठीक है। चैप्टर नंबर 14, हमारे उपयोगी पदार्थ। तो इसमें आपने, आई होप आपने पहले पढ़ चुके हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे हमारे उपयोगी पदार्थ में। और यहाँ पर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है, आज जो टॉपिक्स हम देखेंगे वो है खाद्य रंग और सुगंध, पावर कोटिंग, एनोडाइजिंग और सेरेमिक। तो ये सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको कुछ बहुत ही चीज दिख दे रही है, मिठाइयाँ दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की मिठाइयाँ आप देख पा रहे हो, अलग अलग जो है उसका तो किस कुछ तो ये जो दैनिक जीवन के कुछ पदार्थ हैं जिन्हें हम जिनसे हम रोज रूबरू होते हैं, जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, जैसे कि कपड़े, बर्तन, घड़ी, औषधि, अन्य वस्तुएं हैं, ये सभी जो है विभिन्न द्रव्यों से बनी होती है, राइट। अब इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर पर क्या परिणाम पड़ता है, और उस चीज की जो है आज हम जानकारी थोड़ी बहुत लेंगे, ओके। अब जब सबसे पहला चीज जो है, फूड कलर और एसेंस, खाद्य रंग और सुगंधित द्रव्य। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसे है, गुलाब जामुन रखा हुआ है, ठीक है। तो इस सब के कलर डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। तो बाजार में ये जो मिलते हैं, बाजार में ये जो मिलने वाले बहुत सारे जो भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, या जो पेय है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, उसमें भी आप देखते हो कुछ कुछ मिरिंडा कलर का है, मतलब मिरिंडा जो है वो या ऑरेंज कलर का है, और कोक जो है वो ब्लैक कलर का है, जैसे मिठाइयाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की है। तो ये जो मिलने वाले है, ये इसमें खाद्य कलर, ठीक है, खाद्य रंग मिश्रित रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो खाद्य रंग है जिसको फूड कलर हम कहते हैं, ये पाउडर के रूप में, जेल के रूप में, पेस्ट के स्वरूप में होते हैं। इन खाद्य रंगों का जो है या तो घरेलू यूज करते हैं हम, या व्यावसायिक उत्पादनों द्वारा किया जाता है। फिर जैसे आइसक्रीम है, सॉस, फलों के रस और शीत पेय, अचार, जैम, जेली, चाय पाउडर में संबंधित रंग, सुगंधित द्रव्य डाले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, जैसे वो बिरयानी बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा तिरंगा बिरयानी बनाते हैं, या फिर उसमें ऑरेंज कलर डालते हैं, उसमें ग्रीन कलर मिक्स करते हैं, राइट। तो इस तरह से जो है वो फूड कलर खरीद कर लेकर आते हैं, ऑरेंज कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और उसमें जो है जो खाना बनाया जा रहा है या बिरयानी बनाई जा रही है उसके अंदर उसको मिक्स किया जाता है, तो का वैसा कलर आ जाता है, ठीक है। या फिर आपने पूजा में देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो पंडित होते हैं वो चावल बनते हैं, अलग अलग कलर उसमें मिला के जो है येलो कलर का चावल बना देंगे, ग्रीन कलर का चावल बना देंगे, फिर ब्लैक कलर का चावल बना देंगे, ठीक है। तो सारे क्या है, खाद्य रंग होते हैं, ठीक है। सो बाजार में पैकिंग में मिलने वाले, जैसे चिकन है या मटन है, जो जो जैसे फ्राइड आइटम्स होते हैं, तो आप देखते हो वो पूरी आप सीधा घर पर लाते हो, उसको छानकर जो है खाते हो, एकदम डार्क किया जाता है, वो देख के समझ में आ जाता है कि ये फूड कलर मिक्स है इसके अंदर, ठीक है। और फिर लाल मिर्च, हल्दी, मिठाइयाँ जैसे अन्य पदार्थों का भी जो रंग है बहुत उठावदार हो, इसलिए अधिकतर खाद्य रंग ये मिश्रित किए जाते हैं। जैसे कि आपने टीवी पर बहुत ज्यादा वीडियोस जो दिखाते हैं ना, कि देखिए इसमें ये मिलाया जा रहा है, देखिए उसमें वो मिलाया जा रहा है, सब्जी को इस तरह से जो है और अधिक चमकदार और रंगदार बनाया जा रहा है, तो आपने उसमें वीडियो में देखा होगा, जैसे मटर देखा होगा, मटर
मटर का कैसा रहता है कि जो जो नेचुरल मटर होती है, अगर आप देखोगे ना तो उसका कलर ग्रीन है, थोड़ा ग्रीन होता है, लेकिन बाजार में जिसको ग्रीन कलर का पानी बनाया जाता है और उसके अंदर मटर को अच्छे से भिगो उगो के जब वापस से उसको मटर को बाहर निकालते हैं तो आप देखोगे इतना अच्छा ग्रीन कलर लगता है वो, कि सामने जो असली अच्छी जो मटर होती है वो फीकी पड़ जाती है। बराबर है? तो ये वीडियोस भी आपने बहुत बार न्यूज चैनल्स में देखे होंगे कि ये देखिए किस तरह से मिलावट की जा रही है और किस तरह से मिलावट दूध बनाया जा रहा है, उस सब में आपने ये बहुत बार देखा होगा। ओके, तो अब ये जो खाद्य रंग इस तरह से मिलाते हैं तो आप सोचते होगे कि ये तो अच्छी बात है, अच्छा कलर आ रहा है, अच्छा उठावदार हो रहा है, उसका दिखने में अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो अचार, जैम और सॉस, इसमें जो या जो कलर्स होते हैं इसके अंदर जो डालने वाले जो रंग होते हैं उसमें मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे सीसा है, पारा है, इसका बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल होता है। लेकिन आप जैसा कि जानते हो कि ये जो है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए ये घातक साबित होता है। फिर इन सब चीजों से क्या हो सकता है? तो जैसे खाद्य रंग युक्त पदार्थों के बहुत ज्यादा सेवन करने से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एडीएचडी जैसी बीमारियां होती हैं। एडीएचडी जैसे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको कहा जाता है, इस बीमारी को जाते हैं, एक जगह नहीं पाते हैं, उनका कुछ न कुछ उनको चाहिए रहता है बिजी के लिए, या तो अच्छा ही काम करेंगे या गड़बड़ी करेंगे, बच्चे हैं तो डेफिनेटली आधा टाइम गड़बड़ी करते हैं, तो इस तरह के जो दुष्परिणाम है हमारे ऊपर भी पड़ते हैं और बच्चों के ऊपर भी पड़ते हैं। आपने डेफिनेटली देखा होगा बीच में जो है एक ऐसा ही खाने की जो चीज थी वो बैन हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर ब्लेड और चीज बहुत मात्रा में पाया जाता था, जितना फूड एडिकेशन विभाग ने डिसाइड किया हो कि इतने अमाउंट में ही चीजें होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा उसमें मिल रहा था और बच्चे और बड़े सभी बहुत परेशान हो गए थे उसके बैन होने की वजह से। वो बस 2 मिनट में बन जाता था, राइट? तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। फिलहाल वो तो फिर वापस चालू हो गया है, बट इन चीजों में आपको समझना है कि जिनमें बहुत ज्यादा खाद्य कलर होते हैं, फूड कलर्स होते हैं, उनमें जो है वो मेटल्स पाए जाते हैं और हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। अब आते हैं कि खाद्य रंग जो है वो प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति की चीजों से हमको मिलते हैं कलर्स, और कृत्रिम यानी कि जो हमने बनाए हैं सिंथेटिक मटेरियल से, राइट? अब इसको आप देखिए किस तरह से हम डिवाइड करते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक कलर आप कैसे जैसे जो से, शलजम से, फूलों से, फलों के अर्क से जो निर्मित हुआ है। अब इसमें आप हल्दी ले लो, ठीक है, हल्दी का यूज कर सकते हैं प्राकृतिक में, केसर का यूज कर सकते हैं, और इनका कहाँ बड़े बड़े पैमाने पर यूज हो रहा है मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में जरूर बताऊंगी। तो हल्दी है, केसर है, गुलाब है, गुलाब से जो है कलर आप लगा सकते हैं, कलर यूज कर सकते हैं, रेड कलर आता है, पिंक कलर आता है, फिर पोमग्रेनेट है जैसे कि अनार है, फिर सारे लोग मेहंदी लगाते हैं, आप जानते होंगे कि उसको मेहंदी की पत्तियों पीस कर उससे जो है बालों में लगाने से कलर आता है, और उसी में कुछ लोग जो है बीटरूट भी मिक्स करते हैं, बीटरूट से रेड कलर आता है, तो जो राइट, तो ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं। ये जो है ये नुकसानदेह नहीं है, बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, ये हेल्दी है, हेल्थ के लिए भी और सोशली भी ये ठीक है। और जैसे अब कृत्रिम आ गए, ठीक है, तो कृत्रिम में आप देखो टेट्राजिन है, सनसेट येलो है, हेक्सेन है, एमिटोन है, ये सब बहुत बड़े पैमाने पर ये उपयोग में लाए जाने वाले कृत्रिम खाद्य रंग है, परंतु इनके अति सेवन से जैसे हम जानते हैं कि ये खाद्य रंग साबित हमारी हेल्थ के लिए, बिकॉज इसमें मेटल्स होते हैं, लेकिन इसीलिए जो है हमेशा प्राकृतिक खाद्य रंगों का ही इस्तेमाल करना जो है उचित होता है। जैसे कि आप यहाँ पे रेड कलर का जो रोज देख रहे हो, तो इससे अगर कुछ डाई करते हैं आप, या इसका उपयोग आप होठों पर करते हैं, तो इससे जो कलर आएगा वो प्राकृतिक कलर होगा, और ये जो स्वास्थ्य के लिए, स्किन के लिए, त्वचा के लिए जो बहुत हेल्दी होगा, राइट? अब डाई किसे कहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना डाई। तो डाई जब हम बोलते हैं तो आपको बहुत
सारे, इनफैक्ट सारे बच्चों को जो पहली चीज ध्यान में आती होगी वो ये है कि हेयर डाई, हेयर कलर, राइट। तो एक्चुअली डाई का क्या मतलब होता है? तो डाई है वो जो वह रंगीन पदार्थ जिसे किसी वस्तु पे लगाने से उस वस्तु को रंग प्रदान होता है। ये आपका जो है डेफिनेशन हो गया। क्या है डेफिनेशन? वह रंगीन पदार्थ जिसे किसी वस्तु पर लगाने से वह वस्तु को रंग प्रदान करता है उसे डाई कहते हैं। और सामान्यतः जो डाई है वो पानी में घुलनशील होता है और तेल में अघुलनशील होता है। अब इस डाई को सिर्फ हेयर डाई करके ही नहीं यूज करते हैं आप जो कपड़े को रंगने के लिए यूज होता है, कागज को रंगने के लिए यूज होता है, रंग को पक्का होने के लिए रंग बंधक का भी यूज किया जाता है। प्राकृतिक डाई बनाना है तो आप जानते हो अभी ये जो चुकंदर है, बीटरूट है, पोमग्रेनेट है, रोज है और हल्दी है, ये सारी चीजें जो है ये वनस्पति से ही मिलेगी हमको, मुख्य स्रोत है वनस्पति, राइट। अभी वनस्पतियां इसका मुख्य स्रोत है, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये देखो वनस्पति इसका मुख्य स्रोत, फूल, छाल, बीजे, फफूंद, केसर, ये सबका इस्तेमाल है डाई बनाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आप राजस्थान कभी जाते हो तो आप देखिए कालीन बनाते हैं, फिर शॉल बनाते हैं, और वहां पे बहुत बड़े पैमाने पर यही काम लोग करते हैं। घर की औरतें जो हैं ये बड़े पैमाने पर यही काम करती हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर उनकी आजीविका चलती है। साड़ियां हैं, डिजाइन पैटर्न रहता है, डिजाइन बने रहते हैं पैटर्न, अलग अलग पैटर्न के, जिसको उसी प्राकृतिक डाई में डुबाते हैं, ब्लैंकेट और बहुत सारी चीजों पे। तो यहाँ जैसे कश्मीर में केसर में घर घरेलू उपाय में आपको बता रही हूँ, जैसे बिरयानी में डालते हैं, फिर अगर कुछ की मिठाई में डालते हैं, सो उससे जो है उत्तम डाई बना के धागे रंगते हैं केसर से, तो उससे जो है साड़ियां, शॉल, ड्रेसेस बनाए जाते हैं। और कश्मीर की जो चीजें आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि वो हाथ की कारीगरी होती है, और इसी पे जो है वहाँ के लोगों की भी बहुत सारे लोगों की आजीविका चलती है। मेन आ जाता है बाल रंगने पे, तो बाल रंगने के लिए जो है मेहंदी की पत्तियों का इस्तेमाल तो सारे युगों युगों से होता आ रहा है, राइट। और जो कृत्रिम डाई है, कृत्रिम डाई की खोज किसने की? तो 1856 में विलियम हेनरी पार्किन ने की, और धर्म और विलियमशीलता के अनुसार कृत्रिम की विभिन्न प्रकार होते हैं, और इनमें पेट्रोलियम के उप उत्पादों और अन्य उपयोग। वो आप समझ में आए हैं? लेट मी क्लियर ऑल द ड्राइंग अगेन। फिर से इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे पहला तो यही है कि डाई से किसी वस्तु को रंग प्रदान होता है उसे जो कहते हैं, उसे डाई कहते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वो जड़े, पत्तियां, फूल, छाल, बीजे बीजे, फफूंद, केसर, इन सब, ये जो है प्राकृतिक डाई है। और कृत्रिम डाई जो है वो 1856 में विलियम हेनरी परकिन ने ढूंढा था। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देख रहे हो ये पोमोग्रेनेट है, आप देख रहे हो उसका यूज किया है इस तरह, देखो देखो धागे किया है, देखो ये जो धागे, धागों को डाई किया गया है, और इसे वो भी बनाना है, साड़ी है, शॉल है, ब्लैंकेट है, बेडशीट्स है, जो भी बनाना है वो आगे बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो है ये जो डाई है इसके उपयोग और इसके दुष्परिणाम क्या क्या है, तो सबसे पहले उपयोग देख लेते हैं। तो भी वही पढ़ा है, सबसे पहले तो कपड़े रंगने देखे आपने प्राकृतिक और कृत्रिम, फिर बाल रंगने के लिए देखा प्राकृतिक डाई डाई,
पॉइंट है आपको, रास्ते के तख्ते बोर्ड, फिर रात्रि के समय इसके लिए जाता। अगर आप रात रात के समय अगर आपने कभी ट्रेवल किया हो बस या कार में, तो रास्ते हैं उस पर बहुत ही चमकीले पदार्थ के बोर्ड्स लगाए जाते हैं, और छोटे छोटे जो बोर्ड्स पूरे रास्ते भर में लगाए जाते हैं, जिस पर अगर गाड़ी की लाइट पड़ती है तो वो एकदम चमकने लगते हैं। और वायर लेफ्ट है और राइट है वो कहाँ पर है, तो जो गाड़ी में लगती है। तीसरा है चमड़े के जूते को डाई करने के लिए, पर्स को डाई, आप देखो अलग अलग टाइप के पर्स होते हैं, अलग अलग कलर के पर्स होते हैं, फिर चप्पल को चमकदार बनाने के लिए रंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आते हैं अभी दुष्परिणामों पे। अब दुष्परिणामों में आपने बहुत बार सुना होगा जैसे कि बालों को जब कलर करते हैं, तो 100% आपके घर में आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जब से मैं बाल को कलर करने लगा तब से मेरे बहुत आपने सुना होगा, तभी से मैंने बालों को कलर करना शुरू किया, फिर आपने सुना होगा जब से मैंने बाल कलर बहुत बल्कि ये चीजें जो है सही भी होती है। बहुत ज्यादा डाई अगर साल से डाई यूज करें, 5 साल से, 4 साल से, 10 साल से, जितना भी है, तो इसमें जो है बालों को रंग लगाने पर झड़ना शुरू हो जाता है, बालों की पोत खराब होना, पोत यानी कसकर जो स्किन होता है वो खराब शुरू होना शुरू हो जाता है, त्वचा में जलन हो जाती है, आंखों में, आंखों को नुकसान पहुंचता है। ये जो आंखों को नुकसान पहुंचता है ये तो बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने जो मेरे नेबर थे उनके ही देखा, उनको ही देखा था, उनको वो डब्बा बहुत सालों से, 15 सालों से डाई कर रहे थे और उनको आंखों में तकलीफ हुई। जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सबसे पहले कहा कि आपको डाई लगाना बंद करना होगा, ये जो आर्टिफिशियल डाई लगाना है वो आपको बंद करना होगा, क्योंकि उसका इफेक्ट आपके आंखों पे हो रहा है और आपकी आंखों की रोशनी पे इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर की लिपस्टिक आप देख लो, लिपस्टिक में कारमाइन नमक रंग होता है, उससे होठों को होने पर जरूर होते हैं इससे। फिर प्राकृतिक रंग बनाने के लिए अच्छा यूज करना ही है, तो हम यूज करते हैं। अब सभी अगर प्राकृतिक डाई यूज करने लगे तो प्राकृतिक डाई आता कहाँ से है, वो बन सकता है, तो प्राकृतिक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज्यादा यूज की वजह से लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काट जंगल नष्ट हो रहे हैं, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो बहुत ज्यादा रंग बनाने के लिए अगर वनस्पति का अति होता है बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आर्टिफिशियल कलर प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम आप जैसे कि यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो कि उसको स्किन के रैशेस हो गए हैं। अब रंग बनी जैसे होली, ठीक है, जब होते हैं जब जम के कलर्स खेलते हैं और आप बच्चों होते हैं और आप कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर ऐसे ऐसे कलर लेकर आते हैं, है ना, ऐसे कलर लेकर आते हो कि ऐसे कि जम बराबर है कि नहीं, है ना, तो इसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के कलर लाए जाते हैं, राइट। तो मैं आपको बता दूं ये जो कलर्स होते हैं ये इनमें कृत्रिम रंगों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इन रंगों को यूज करते हैं जब उनके अंदर बहुत ज्यादा मेटल्स की मात्रा बहुत ज्यादा घातक होता है, और इसमें जो पारे की मात्रा होती है, जो पारा जो मेटल है इसका जो अनुपात है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसको यूज जब आप दूसरों को लगाते या दूसरे आपको लगाते हैं तो उसकी वजह से आपने बहुत बार देखा होगा कि स्किन में फिर एस्मा जिनको है, जिनको सांस लेने में दिक्कत है, प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन में खुजली हो जाती है, त्वचा के रंग हमेशा के लिए बंद
हो जाए, ऐसे कतरे उत्पन्न होते हैं। और बहुत ज्यादा किसी को सेंसिटिव है तो उसको स्किन का कैंसर भी, और अगर आंखों में गलती से चला गया, जैसे हम न्यूज में सुनते हैं कि होली जब होती है तब ये अक्सर न्यूज में ये सारी चीजें आती हैं कि किसी को तक हो गई, वो ये सारी जो हम बहुत बार सुनते हैं जब भी होली आसपास आती है, तब होली के आसपास ये सारी। आपको बता दूं, हमको देखे होंगे राइट, कि अब जो है कृत्रिम रंग, आर्टिफिशियल रंग ना यूज करें बल्कि ऑर्गेनिक कलर्स यूज करें। जो भी बच्चे कहते हैं कि आप इस कृत्रिम आर्टिफिशियल कलर ना यूज करके बल्कि क्या यूज करें, आप ऑर्गेनिक कलर यूज करें, जैसे कि आप प्राकृतिक कलर यूज कर सकते हो, ये सारी आप यूज करके जो है खुद भी सेफ होली के लिए और दूसरों के साथ भी सेफ होली के लिए। नेक्स्ट है दुर्गंधनाशक यानी कि डिओड्रेंट। जैसे कि ये चीज आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा है ना, डिओड्रेंट तो आप सभी के सभी 101% भी डिओड्रेंट यूज करते ही होंगे, क्योंकि ये जो है जो जिस हिसाब से टीवी में एड्स दिखाते हैं वो इस तरह से आपको दिखाते हैं कि बिना डिओड्रेंट नहीं रह सकते और डिओड्रेंट यूज करिए बहुत महंगा लगे, इस तरह से जो है एड दिखाते हैं। आप जैसे बच्चे जो हैं जो इसके पीछे का जो चीज है वो समझ नहीं पाते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं डिओड्रेंट है। मैं आपको जानकारी दूं, जो सीना है शरीर से आने वाली अच्छी बात होती है वो बुरी बात नहीं होती है, वो सभी होती है, ये बहुत ही नॉर्मल है। और ये सूक्ष्म जीवाणु, जैसे आप थोड़ी सी सफाई वगैरह नहीं रखेंगे तो उसमें पसीने में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं के भी कारण जो है बॉडी, तो विघटन के कारण दुर्गंध आती है। और इस दुर्गंध को रोकने के लिए हम डिओड्रेंट का यूज करते हैं, दिन भर प्रफुल्लित रहे पसंद आती है तो सब डिओड्रेंट जो है बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसमें इथाइल प्रोपाइल बेंजाइल ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम की होगी, जैसे कि मैं अभी आपको ऊपर दिखाऊं एल्युमिनियम आप जानते हो मेटल है और इसकी होगी सबसे ज्यादा होते हैं अंदर। बच्चों सामान्य डीओ, जैसे डीओ में भी अलग अलग होते हैं, पहले जैसा ये सामान्य डीओ है, फिर दूसरा है पसीना रोकने वाला डीओ है, फिर तीसरा है जो वैद्यकीय डीओ। यहाँ पर देखो, अब जो सामान्य डीओ है इसमें एल्यूमिनियम के यौगिक, ये देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम के यौगिक का अनुपात कम होता है और इसका काम डेफिनेटली पसीने की दुर्गंध को कम करना है। करने वाली ग्रंथियों का प्रमाण कम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पसीना आपको आता है वो कोई बुरी चीज नहीं है, थोड़ा साफ सफाई रखते हैं, स्नान करते हैं, अपना हैंड वॉश करते हैं जैसा कि मैंने बताया, तो ये चीजें आपके साथ कम होंगी और आपको डीओ कर यूज करने की जरूरत नहीं होती है।
सीनियर होते हैं वो और भी ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये जो है जो डीओ हम यूज करते हैं तो ये जो पसीना स्रवित करने वाली ग्रंथियां होती हैं इनको ही वो बंद कर देते हैं, राइट। तो इससे एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट्स का अनुपात 15% इसके अंदर होता है और इसके कारण पसीना आने वाली ग्रंथियां पूर्णतः बंद हो जाती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है ये, ठीक है। और इसमें कितना अनुपात है आप देख सकते हो कि 15 क्लोरोहाइड्रेट्स का अनुपात होता है। एक होता है वैद्यकीय डीओ, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं वैद्यकीय डीओ। जिस व्यक्ति को, अच्छा कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ही पसीना आता है तो उसके जो घातक प्रभाव है, उसके जो डेंजरस प्रभाव है वो त्वचा पर दिखाई देते हैं, ठीक। उससे जो है वो वैद्यकीय डीओ, इनके लिए वैद्यकीय डीओ बनाया गया है और शायद उनको डॉक्टर्स ही प्रेफर करते हैं। तो इसमें जो है 20-25% मिनिमम आप देख सकते हो होता है, इसे भारत में ही इस्तेमाल किया है। ओके, इनके परिणाम देख लेते हैं हम लोग। पहले सारी ड्राइंग्स क्लियर करती हूँ ना, नेक्स्ट पहचानते हो गए सब प्रोडक्ट्स हैं जो हमको एड में दिखाई देते हैं। आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, बहुत ही अलग अलग अट्रैक्टिव पैकेजेस आपको मिलते हैं। दुष्परिणाम, जैसे आपने देखा कि इसमें मेटल्स है यूज किए हैं, राइट। इसमें एल्यूमिनियम है, जिरकोनियम सबसे घातक रसायन है, तो आपको ये रिक्त में पूछ सकते हैं जिरकोनियम ये यौगिक डिओडोरेंट में सबसे घातक रसायन है और इसके कारण सिर दर्द है, हृदय के विकार है, आस्थमा है, विकार जैसे बहुत सारी व्याधियां होती हैं। फिर ये एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट है, ये एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट्स के कारण तो विभिन्न कैंसर तक होने की संभावना होती है। ये डिओडोरेंट आप देख सकते कि जैसा टीवी में एड दिखाते हैं उतना फैसिनेटिंग नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो आपको बहुत ही कम मात्रा में इसका यूज करना है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है देखो, जैसे आप ऑमलेट बनाते हो या आप डोसा बनाते हो तो आपने देखा नॉनस्टिक का फायदा है उसमें वो जो है चिपकता नहीं है, खाना जो भी है वो क्या है नहीं है, राइट। प्रक्रिया देखो, सॉल्व करते हैं हम लोग। चिपकने की प्रक्रिया टालने के लिए रसोई के औद्योगिक देने के लिए टेफ्लॉन किया जाता है, ये टेफ्लॉन बहुत है और इसकी खोज जो है इसने रॉय पता नहीं हम और ये जो है क्वेश्चन टेफ्लॉन वेरी वेरी वेरी, कभी टेफ्लॉन के गुणधर्म पूछते हैं, कभी टेफ्लॉन का उपयोग पूछते हैं, कभी टेफ्लॉन का जैसे कि ये है रासायनिक में प्रश्न पूछते हैं। आपको इसको आपको 10 बार लिख लोगे अगर नोटबुक में, बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। अब जैसे इसके गुणधर्म क्या है तो गुणधर्म लिख सकते हो जैसे कि जो है चिपकता नहीं है, तो पानी और तेल ये दोनों पदार्थ टेफ्लॉन कोटेड वस्तुओं पे चिपकते ही नहीं है, तो आप दूसरा रासायनिक पदार्थों का टेफ्लॉन पर परिणाम ही नहीं होता है। आप सीधा किचन कुकवेयर नॉनस्टिक कुकवेयर को ध्यान और नहीं है, इस पे रासायनिक पदार्थों का इस पे परिणाम होता है, तापमान का टेफ्लॉन पे कोई परिणाम नहीं होता है क्योंकि टेफ्लॉन का बहुत उच्च होता है 3 डिग्री
सेंटीग्रेड होता है, टेफ्लॉन कोटेड वस्तु किया जा सकता है। अभी ये चौथा वाला भी बहुत इजी है, जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं, जब आप ऑमलेट, सपोज आप ऑमलेट बना के खा रहे हो या दूसरा, जिस तरह हम गस के साफ करते हैं उतना साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसको आराम से वस्तु को आराम से साफ कर सकते हैं। अब इसके उपयोग क्या है, तो सूचालकता का गुणधर्म इसमें होता है, जिसके कारण उच्च तकनीक के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में और टेफ्लॉन के आवरण वाले विद्युत तार वस्तु बनाने के लिए यूज करते हैं। दूसरा जो है, तो ये जो है एक एक नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। तैयार करने के लिए इसका किया है, फिर दुपहिया चार पहिया वाहनों के जो रंगीन पत्ते तापमान का या बरसात का परिणाम न होने से वो खराब न हो जाएं, तो इसके लिए टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। अब आते हैं पाउडर कोटिंग पे, तो ये सारे जो है पाउडर कोटिंग है या एनोडीकरण है, ये डेफिनेशंस की तरफ से डेफिनेशन जैसे पूछे जाते हैं, परिभाषा पूछी जाती है, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पाउडर कोटिंग क्या है, तो जैसे लोहे की वस्तु पे जंग ना लगे। अब आप जानते हो कि लोहे की वस्तुएं हैं, जैसे लोहे की रॉड है या जाली है, आप जानते हो जमा होती है, तो इस वस्तु पे जंग ना लगे, इस वस्तु पे और भी अधिक दृढ़ परत अगर लगा दी जाए, तो उस परत क्या कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें पॉलीमर रेजिन रंग और अन्य घटक एकत्र बनाया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन करते समय धातु पर इस पाउडर और इसमें पाउडरों को स्थिर विद्युत आवेश देते हैं, और इस कारण उसकी परत एक जैसी परत धातु के पृष्ठ भाग पर चिपकती है, और फिर रासायनिक अभिक्रिया होने से अधिक लंबाई के मोहलक जाल निर्मित होते हैं। ये जो अत्यंत टिकाऊ मतलब बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल और ये आकर्षक भी होता है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, ये जो होल्डर है, पिन होल्डर है, तो बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। प्लास्टिक डेंस पाउडर कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट स्लाइडिंग आते हैं हम लोग एनोडीकरण पे। आप एनोडीकरण कि ये भी जो है एल्युमिनियम की धातु एनोडाइजिंग है, एनोडाइजिंग है तो एल्युमिनियम ये सारी चीजें किस लिए हैं, धातुओं को संरक्षण देने के लिए, उनको जो है खराब होने से बचाने के लिए ये चीजें जो है यूज की जाती हैं। तो उसमें एनोडाइजिंग में जो है एल्युमिनियम धातु पर हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलाने से प्राकृतिक रूप से संरक्षण तैयार की जा रही है। अब इस एनोडीकरण क्रिया द्वारा जो वांछित मोटाई की विद्युत यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है, एक मिनट को स्पॉटलाइट करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख रहे हो विद्युत अपघटन हो रहा है, और इसमें जो है एनोडीकरण किया जा रहा है। विद्युत अपघटन समय आप देखिए लेकर उस एल्युमिनियम के वस्तु को धनाग्र में डुबाते हैं, ठीक है। फिर विद्युत प्रवाह शुरू करने पे ऋणाग्र के पास जो है वो हाइड्रोजन गैस ऋणाग्र के पास जो है हाइड्रोजन गैस और धनाग्र के पास ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है,
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से एल्यूमिनियम वस्तु रूपी धनाग्र पर हाइड्रोजन एल्यूमिनियम की ऑक्साइड परत तैयार हो रही है। यहाँ पर देखो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत तैयार होती है और इस बीच सेल में रंग डालकर इस परत को आकर्षक बनाया जाता है। ठीक है, आप देखोगे मृतिका यानी कि सिरामिक, आपने देखा बहुत सारे बर्तन आपने देखे होंगे इस तरह के। जब आप बाजार में जाते हो तो आपने ये अलग अलग डिजाइन के बर्तन देखे होंगे, जैसे देखो यहाँ पे इस तरह की कारीगरी आपने देखी होगी। आप मॉल्स में अगर कभी घूमने गए हो या फिर बहुत गए हो तो आपको इस तरह की होगी। तो ये क्या है, इनमें मृतिका कहते हैं और इंग्लिश नाम पहचानते हो सिरामिक। का अर्थ है कि अकार्बनिक पदार्थ को पानी में मिश्रित करके फिर उसको आकार देना है उसको, और जो है आपने कुम्हार द्वारा बनाई छोटी मटकी देखी होगी, बड़ी मटकी, इस तरह से बर्तन देखे होंगे, फिर घर की छत पे जो खपरेल लगता है देखा है, ईटे लगती हैं, कप प्लेट टेरिकोटा की वस्तुएं सभी हमारे आसपास जो हम देख देती हैं वो है वो मृतिका का ही उदाहरण है। जैसे कि ये बर्तन देख रहे हो तो मृतिका तैयार कैसे हो रही है, मिट्टी पानी में मिश्रित करके उसे आकार देकर से लेकर ऊपर के तापमान पे हमको उसको भुनना पड़ता है, तो रंग्र में मृतिका जो है वो तैयार होती है। देखो यहाँ पर आप मृतिका तैयार हो रही है और जो रंग्रमयता निकालने के लिए भुने गए बर्तन पर मिश्रित किया गया कांच का चूर्ण लगाए हैं बर्तन में और इस तरह से वो चमकीला बनता है। अब इस मृतिका के तीन प्रकार होते हैं, आईना, तीसरा प्रगत मृतिका। तो जो पॉर्सली है ये जो है पारदर्शक और सफेद रंग, मैंने आपको यहाँ एक कठोर होती है, पारदर्शक होती है, सफेद रंग की होती है और इसे बनाने के लिए चाइना चीन में मिलने वाली सफेद जिसका नाम उपयोग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो उसका डेफिनेशन, कांच, ग्रेनाइट, फेल्सपार जैसे फिर तैयार के मिश्रण को आते हैं जैसा चाहिए, फिर उस भट्टी में 1200 से लेके 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको जो है भूनते हैं, फिर उसके बाद लगाकर पुनः भूनकर जो है पॉर्सलिन के सुंदर बर्तन तैयार होते हैं। फिर दूसरा जो है उसका बोन चाइना, ये लगभग सब ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। जैसे देखो बोन चाइना, तो बोन चाइना में क्या फर्क है कि चीन में मिलने वाली जो सफेद मिट्टी है जिसको केओलिन कहते हैं, तो इस केओलिन को बोन चाइना में क्या फर्क है देखो यहाँ पर। तो केओलिन जो मिट्टी है यहाँ पर आप सेकंड में देख सकते हो, करती हूँ ये देखो, केओलिन मिट्टी को फेल्सपार खनिज बारिका किरण में आंख मिश्रित करके आगे की प्रक्रिया जो है क्या है? सॉरी। और इसका जो और भी खास बात यह है कि ये जो है पॉर्सलिन से भी कठोर होती है, यानी जो पहले हम पॉर्सलिन से भी ज्यादा कठोर जो है ये बोन चाइना होता है, क्योंकि इसमें जो है फेल्सपार खनिज मिला रहे हैं, सिलिकॉन मिला रहे हैं और इसको करके वही प्रक्रिया जो है भुनने की प्रक्रिया, आकार देने की प्रक्रिया करके जो है सुंदर बर्तन बनाए हैं। आप देखोगे अगर बर्तन अगर अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ज्यादा फर्क का, तो बहुत सारे जो है बर्तन आपने देखे होंगे दुकानों में। तो प्रगति का बनाते समय मिट्टी के स्थान पे एल्यूमिना का ऐसे कुछ ऑक्साइड्स और सिलिकॉन कार्बाइड बोरॉन का ऐसे कुछ यौगिकों का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ, अगर आपको डेफिनेशन चाहिए
प्रगति का, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मिट्टी यूज नहीं किया जा रहा है, मिट्टी के जगह पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कार्बाइड, बोरॉन, कार्बाइड जैसे अन्य यौगिकों को किया जा रहा है। और इस मिट्टी का को भी भुनने के लिए और भी ज्यादा, आप देख रहे हो, और भी ज्यादा यूज किया जा रहा है। 1600 से लेके 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसको यूज किया जा रहा है, है, और ऑक्सीजन की वहां पे आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को जो है, पूरी प्रक्रिया को सिंटरिंग कहते हैं। तो जो है देखा, वृक्का वृक्का के डिफरेंट डिफरेंट जो है कितने कैसी हुई, तो वृक्का कारण क्या है, उसका डेफिनेशन आपको यहाँ मिलेगा। क्या है मृतिका, तो मृतिका फिर उसको आकार देना है, फिर उसको उनका तैयार करना, उष्मारोही प्रक्रिया ही है। ठीक है, कुमार द्वारा जो बर्तन बनाने की प्रोसीजर है, तो मृतिका में मिश्रित कर देना है, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे जब भुना जाता है, तो रंग्रहित मृतिका जो आपको डायग्राम में दिख रहा है सामने, ये तैयार है। किस प्रकार ने देखिए, पोर्सिलिन, बोन चाइना और प्रगत मृतिका है, ये सारे देखो सुंदर सुंदर बर्तन हैं जो इस प्रक्रिया से तैयार हो रहे हैं। और तो ये इसमें जो मेन है कि ये कठोर और पारदर्शी मृतिका है, इसमें केओलिन मिलाया जा रहा है, और के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भून रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो है बोन चाइना है, क्या है उसमें फेल्सपार खनिज, बारीक सिलिका, हड्डियों की राख, ये सब करके जो है बर्तन सुंदर बर्तन बनाए जा रहे हैं। प्रगत मृत्तिका क्या है, यूज नहीं कर रहे हैं, किस जगह पे एल्यूमिना, जिरकोनिया और ऐसे कुछ ऑक्साइड, इसका तापमान जो और भी ज्यादा है, 1600 से लेके 1800 तापमान, ऑक्सीजन रहित तो में इस जो है यूज जाए, इसको कहते हैं स्टरिलाइजेशन। ठीक है, सो पोर्सिलिन आपने देखे, पोर्सिलिन के सुंदर बर्तन हैं, बोलते हैं जो सिरामिक है, ये पदार्थ का उच्च विघटन नहीं होता है। सिरामिक जो है वो भंगुर भी है, द्रोही है और जल भी है, इसको जो है विद्युत उपकरणों में, भट्टी की आंतरिक सतह लेपन के लिए करते हैं। स्पेस शटल के बाहरी परत पर विशिष्ट सिरेमिक टाइल लगाए जाते हैं, सिरेमिक का उपयोग जो है सुपर कंडक्टर्स के रूप में भी किया जाता है, अति संवाहक। ठीक है, तो ये जो है हमने सिरेमिक में फिर से रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, आज हमने क्या क्या देखा है, चैप्टर नंबर 14 खाद्य रंग और सुगंधित द्रव्य सबसे पहले टॉपिक था हमारा। ओके, दुर्गंधनाशक खाद्य रंग जो है उसका डायरेक्शन के बाद पदार्थ मिलते हैं, ये जैव और इनको घरेलू उत्पाद यूज किया जा रहा है, प्राकृतिक खाद्य रंग होते हैं, कृत्रिम खाद्य रंग होते हैं, राइट। फिर हमने खाद्य रंगों के दुष्परिणाम, उनमें जो है मेटल्स होते हैं, मेटल मात्रा होती है, भले ही उसके जो है दुष्परिणाम है बड़े लोगों पर भी और बच्चों पर भी है दुष्परिणाम। जो है खाद्य रंग जो है वो टेट्राजिन, सनसेट येलो, हेमेटो है, जो डाई है, डाई जैसे किसी वस्तु पे लगने से उसको कहते हैं, प्राकृतिक डाई बहुत सारे जो हमने डिस्कस किया, कृत्रिम डाई,
हैरी परकिन ने की। उसके बाद आप देखो कि जो प्राकृतिक है, हल्दी है, पोमग्रेनेट है, अनार जिसे बोलते हैं, पालक है, बीट रूट है, ये सारे प्राकृतिक यूज है, बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में, साड़ियां बनाने में, ड्रेस बनाने में, राजस्थान और कश्मीर इन सब जगहों है, तो उसके उपयोग हैं, उसके दुष्परिणाम भी डेफिनेटली हैं, और दुष्परिणाम बहुत ज्यादा घातक हैं। इसलिए ज्यादा करके जो है प्राकृतिक का यूज करना चाहिए, लेकिन अगर उसका भी बहुत जरूरत से ज्यादा यूज किया है आपने, वो जो है दुष्परिणाम हमने देखे, इसका त्वचा पे कैंसर होता है, होने की संभावना है, अंधापन होने की को है, उनको तकलीफ होने की संभावना है। डिओड्रेंट को बहुत मात्रा में यूज करना चाहिए, और आप स्कूल के जो बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मिलाए जा रहे हैं, और पैराबेंस, मिथाइल है जो आपके जो पसीने जो है बंद करने की वजह से, और बहुत डेंजरस स्किन के कैंसर, सरदर्द, बहुत सारे लोगों प्रॉब्लम्स भी होती है इनकी वजह से। टेफ्लॉन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, टेफ्लॉन आएगा, सामने उसका रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, और ये बहुत ही इजी टेफ्लॉन का बोला है, तो आप सीधे अपने घर की रसोई में जाइए, वहां पे आप वेयर दिखाई दे रहे हैं, उपयोग में आप लिख दो कि नॉन स्टिक वेयर यूज करने के लिए, उपकरणों में दो या चार पहिया वाहन वाहन जो है तापमान की वजह से या गर्मी की वजह से में आप देख सकते हो, इस पे कोई चीज पानी के लिए चिपकते ही नहीं है, वातावरण वातावरण नहीं होता है, और भी जा रहा है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। ये सारी चीजें आज की बहुत इंटरेस्टिंग थी, आई आई होप आप सभी को गुड मॉर्निंग टीचर। आई हाँ बोलो। टीचर दुर्गनाशक दुष्परिणाम लिखिए। हाँ हेलो, यस टीचर, हाँ बोल। दुर्गनाशक हाँ दुष्परिणाम लिखिए। दुष्परिणाम पूछ रहे हो हाँ यस टीचर। वाला, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स जो है वो टीवी पे दिखाते हैं ना, ये बहुत अच्छा होता है, यूज करने से सभी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमसे सब लोग खुश रहते हैं, राइट। लेकिन ऐसी कोई भी जो डिपेंड होते हैं, इनमें जो है बहुत ज्यादा टाइप के मेटल्स होते हैं, मेटल्स देखो, हाँ यहाँ पर इसमें एल्युमिनियम मिला है, किसी जो दुर्गंधनाशक होता है उसमें तो एल्युमिनियम का परसेंटेज जो है, एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट्स का परसेंटेज किसी में 50% है, किसी में 85% है, तो ये जो है सबसे ज्यादा जो है घातक रसायन है, सिर दर्द हो सकता है। घर में पेरेंट्स हैं, अगर आपने बहुत ज्यादा डी मार लिया है तो बोलते भी हैं कि हटो हटो इतना डिओड्रेंट मार लिया है, मेरा सर दुख रहा है ना, शायद बोलते होंगे आपको, बहुत सारे लोगों को मैंने खुद सुना है इस तरह से। तो जैसे किसी को एस्थमा है तो उसको तकलीफ हो जाती है, ना कि आपको बल्कि आपकी आपका बाजू वाला अगर कोई बैठा है उसको भी तकलीफ हो सकती है, संबंधित
तकलीफें हो सकती हैं, और बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव होते हैं उनको तो हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो जा सकती है। और फिर जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड जो मैंने आपको बोला है, जैसे त्वचा विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि अगर आप स्किन पे यूज राइट, वो टीवी में भी आपने देखा होगा, ऐसा वो जोर जोर से आवाज का डिओड्रेंट मार पूरी स्किन पे, तो ये जो स्किन पे जो है वो रैशेस होते हैं, तो इनके कैंसर तक हो सकता है लोगों को। और आप देखोगे कि वहां की स्किन जो है आपकी धीरे धीरे बैन, तो ये यस सारे जो टीचर, हैं दुष्परिणाम है दुर्नाशक के। हेलो, थैंक यू टीचर। ओके, के सभी बच्चों को यहाँ पे मीटिंग खत्म करते हैं हम लोग। बच्चों अपना ध्यान रखिए।